हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट वॉल लाइव टेस्टिंग पर। दोस्तों, आपका भी बेरोजगार भत्ता बंद हो चुका है, आपका बेरोजगारी भत्ता स्टेटस में स्टॉप दिखा रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? वह आपका रिन्यू होगा या नहीं? यदि आपका भी बेरोजगारी भत्ता 2-3 माह से नहीं आ रहा है, तो आप किस प्रकार से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा बेरोजगारी भत्ता स्टॉप कर दिया गया है या नहीं? तो गाइज, आज फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ मेरे चैनल फर्स्ट वॉल लाइव टेस्टिंग पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब, जो यूजर्स नए हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना SSO ID ओपन करना है। या दोस्तों, SSO ID ओपन करना है। SSO ID जैसे आप ओपन करते हो, उसके बाद हमें यहाँ पर, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारा ये SSO ID ओपन हो चुका है। तो गाइस, मैं आपको ये सभी डिटेल मोबाइल पे बताने वाला हूँ, या दोस्तों आप अपने मोबाइल से भी ये डिटेल आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुका है। और हमें जो स्टेटस देखना होता है बेरोजगारी भत्ते का, वो आपको एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर आपको मिलेगा। तो गाइस, आपको एम्प्लॉयमेंट्स को ओपन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जब तक ये ओपन होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे वाले को भी क्लिक कर ले, जिससे कि ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो गाइस, इस प्रकार से यह पेज हमारा ओपन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस, यहाँ से डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल मैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और पेमेंट स्टेटस का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आपको पेमेंट स्टेटस देखना है, तो वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको चेक करना होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हमें देखना है कि हमारा बेरोजगारी भत्ता रुका है या नहीं, या रिन्यू का कोई फॉर्म यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो फॉर्म होता है, वह यहाँ पर हमें सबमिट करना है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर आपको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का फॉर्म यहाँ पर फिल करना होता है, तो वो याद करके ज़रूर आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपको वह फॉर्म फिल करना है या नहीं। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है। तो देख लेते हैं, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से पेज हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंडिकेट नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसे फटकर आसानी से यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, ये सभी डिटेल आपको बताता है कि आपका किस प्रकार से बेरोजगार भत्ता बंद किया जा सकता है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलता है। तो मैं इसे अलाउ कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का पूरा डिटेल हासिल हो चुका है। देवेंद्र प्रजापति एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है स्टॉपेड, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इसे रोक दिया गया है। अब क्या कारण से इसे रोक दिया गया है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, आपको सिंपली स्टॉपेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉपेज पर आप क्लिक करोगे, तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद दोस्तों, आप नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हमारा होता है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों, आपको ये संपूर्ण डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि आपका किस आधार पे यह बेरोजगारी भत्ता रोका गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेरोजगारी भत्ता था, जो यहाँ पर स्टॉपेज किया हुआ है, वह इस आधार पर यहाँ पर रोका गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि योर अप्रूवल हैज़ बीन स्टॉपेड बाय जयपुर सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्शन जयपुर विकोज, क्योंकि अदर्स रिमार्क, दोस्तों अदर रिमार्क का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अदर रिमार्क कोई भी एक कारण यहाँ पर है जिसकी वजह से ये स्टॉप कर दिया गया है। दोस्तों, फुल यहाँ पर कोई वहाँ पर दिया नहीं गया है कि कोई किस आधार पर, कोई आधार यहाँ पर दिया नहीं गया है कि मेरा इस वजह से यहाँ पर रोका गया है।
ये क्यों अदर्स रिमार्क की वजह से यहाँ पर रोक दिया गया है। तो गाइज़ ये फ़िलहाल यहाँ पर मैंने वहाँ पर संपर्क भी किया था कार्यालय में, तो कोई समाधान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से गाइज़ आप देख सकते हैं अपना बेरोज़गारी भत्ते का स्टेटस, कि आपका बेरोज़गारी भत्ता रुका है या नहीं। तो गाइज़ इसको रीन्यू कराने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका ये रीन्यू होगा या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट होगी वो आपको जल्दी मिले।